अभी आया 2 मिनट में। अरे यार इसको देखियो यार, इसका कुछ नहीं हो सकता भाई। हाँ चल थोड़ी देर बैठते पार्क में। चलो और भाई सेंटर कहाँ पड़ा है तेरा? यार जनकपुर में पड़ा है यार। स्कूल में? या भाई भाई फिर तो अपनी टांगे सलामत रखी हो यार, हमें भी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है सिखा दियो। भाई ऐसा करते हैं ना, एक बार साथ बैठ जाते हैं और जो जो प्रॉब्लम है ना सॉल्व कर लेते हैं। हाँ भाई इट्स अ गुड आइडिया, कल मेरे घर आ जाओ, बैठ के सारी कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। और ना यार तू मुझे फाइनल अकाउंट भी बता दियो। या इट्स अ गुड आइडिया। और पेपर की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? बस यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सब ऊपर से जा रहा है। साला झूठ बोल रहा है, रिजल्ट वाले दिन देखियो इसी के सबसे ज़्यादा होंगे। नहीं यार इंटीग्रेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, पल्ले ही नहीं पड़ रही मेरे तो। यार दिमाग खराब हो रहा, कंटिन्यूसली एग्जाम है। भाई तेरे पास मटेरियल क्या है? भाई मैं तो 10 ईयर से पढ़ रहा हूँ। चलो भाई फिर कल मिलते हैं। ओके भाई। चलो भाई मेरे रूम में चलते हैं। ठीक है भाई चल चलो। अच्छा बेटा पहले से पढ़ रहा था तू? नहीं भाई अभी पढ़ने बैठा। हाँ भाई क्या करना है पहले? तेरी इंट्रीकेशन अच्छी है भाई, पहले इंट्रीकेशन सिखा दे भाई, पढ़ेंगे बाद में। मेरे को लगे बहुत दूर से, पहले कुछ खाने के लिए मंगा ले। अब तू यहाँ पढ़ाई करने आया पार्टी करने? भाई मंगा ले यार कुछ, बहुत भूख लग रही है। अब भाई पैसे नहीं है मेरे पास और घर पे भी कुछ नहीं है। ऐसा करते हैं ना भाई हम दोनों कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। भाई क्या खाएगा तू? भाई मैं तो समोसे खाऊंगा। भाई मैं लेते फ्रेंच फ्राई ला दिए। ठीक है भाई चल फिर मैं लेके आता हूँ। ठीक है भाई ठीक है। ले मैं 2 मिनट में आया। ठीक है भाई। ये क्या क्या हुआ तुमने? पूरे घर का कबाड़ खाना बना रखा है। क्या हुआ भाई? अबे ये क्या किया तुमने? डस्टबिन उसमें डाल देते। अबे इसका तो कंप्लीट करवा दे। भाई तू क्यों उठा रहा है? तेरे घर में मेड लगी है वो कर लेगी। अबे 24 घंटे मेड ही रहती मेरे घर में। भाई तेरा काम थोड़ी है ये, मेड को बुला ले या फिर आंटी जी आती होंगी वो कर देंगी। तो क्या मैं मोम या मेड का आने का वेट करूं? भाई टॉयलेट आ रही है मेरे को, वॉशरूम गए। तो भाई नीचे है चला जाना। भाई नीचे तक पहुंच जाए यार, ये बाथरूम में कर ले जाओ ना। तो भाई बाथरूम में टॉयलेट कौन करता है? तो भाई फिर मैं यही कर रहा हूँ। भाई क्या हो रहा है तुम दोनों को? ठीक तो हो ना? भाई अब तो ठीक है, तू ठीक नहीं है। तो भाई मुझे क्या हुआ? जिस तरह से तेरा घर है ना और तू इसे क्लीन रखना चाह रहा है,
वैसे ही हमारा देश भी हमारा घर है और हमें उसे क्लीन रखना है। तो भाई तुम मुझे क्यों बता रहे हो सब? भाई एक बात बता, कल तूने चिप्स खाए और रैपर वहीं फेंक दिया, तुझे पता है ऐसा कोई नहीं करता, पता नहीं कितने लोग करते हैं और बाद में वही रैपर नाली में जाकर फंस जाते हैं, फिर वही कूड़ा सड़ने लगता है और कई बीमारियों का कारण बनता है और कुछ कूड़ा रोड एक्सीडेंट का भी कारण बनता है। भाई कंट्री साफ करना हमारा काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है और हम उन्हें टैक्स किस लिए पे करते हैं? हाँ तो भाई तूने भी अपना रूम क्यों साफ किया? ये तो तेरी मेड का या मॉम का काम था ना, बल्कि मेड को तुम इस बात के पैसे भी देते हो, तो क्यों तूने अपना रूम साफ किया? मेड को ही करने देता ना या उनका वेट करता? भाई सपोज कर तेरे घर में गेस्ट आया है और पूरा घर गंदा पड़ा है, बेडशीट सोफा स्मेल कर रहे हैं, तो क्या कोई गेस्ट तेरे घर रुकेगा? और अगर ऐसे चलता रहा ना भाई तो अपनी कंट्री का भी यही हाल होगा और कोई भी बाहर से आने वाले लोग यहाँ नहीं रुकेंगे और ये जो इतनी एमएनसी कंपनीज यहाँ है, जो इतनी फैसिलिटीज तुझे मिलती है, वो सब बंद हो जाएगी। और कल तूने टॉयलेट के बाहर ही मन तो ऐसा किया तुझे रख कर दूं, और इतना एजुकेटेड होते हुए भी, और आज तू मुझे नीचे वॉशरूम में जाने के लिए बोल रहा है जिससे कल दो चार कदम तक नीचे ले गए। और भाई अगर तू गंदगी साफ नहीं कर सकता ना तो प्लीज फैला भी मत। भाई हर कोई अपना घर साफ रखना चाहता है और ये गलत बात भी नहीं है, लेकिन हमें अपना देश भी साफ रखना है। भाई तू ये मत भूल तेरी पहचान इसी देश से है, कोई अगर तुझसे ये पूछता है ना कि तू कहाँ से है तो तू पहले अपनी स्टेट या अपनी कंट्री का नाम लेता है। Yeah, you're right, guys. I have realized my mistakes. So guys, save our country from dirt. क्योंकि अगर इस गंदगी का दाग देश पर लगा तो वो दाग देश पर नहीं तुम पर लगेगा, तुम्हारी पहचान पर लगेगा। And if you like our video, so like, share and subscribe our channel.